पुस्तकालय देश ग्रेट थर्ड के 1000 क्वेश्चन की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आप लोगों के लिए पार्ट 5 लेके आए हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं देखे हैं तो आई बटन को क्लिक कीजिए, वहां आपको पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मिल जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है हमारे द्वारा बताए गए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको ज्यादा क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर से देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल राजस्थान जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आज ही सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एवं शेयर भी कीजिए। आप इसको जितना ज्यादा शेयर करोगे वो उतने लोगों के लिए बेनिफिशियल है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है कि मूंगफली की फसल किस मिट्टी में सर्वाधिक उगाई जाती है। तो किस मिट्टी में सर्वाधिक मूंगफली की फसल उगाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा पीली मिट्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस भूभाग की मिट्टी अधिक उपजाऊ है। तो राजस्थान के किस भूभाग की मिट्टी अधिक उपजाऊ है, हाड़ौती के पठार की लावायुक्त। ओके, हाड़ौती के पठार की लावायुक्त यानी कि काली मिट्टी। ओके, उसको काली मिट्टी को एक और नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि काली मिट्टी नहीं दी जाती, उसका जो साइंटिफिक टर्म राजस्थान के अंदर यूज किया जाता है उसको पूछ लिया जाता है, बच्चे बता नहीं पाते, तो वो साइंटिफिक क्या है, रेंगर मिट्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल द्वारा मिट्टी, उसके और भी नाम है काली मिट्टी के, ठीक है, तो आप उनको याद कीजिएगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल द्वारा मिट्टी अपरदन राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है, किस क्षेत्र में होता है, दक्षिणी पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घग्गर नदी की बाढ़ में प्रभावित इलाकों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो घग्गर नदी के बाढ़ में प्रभावित इलाकों में प्रमुख मिट्टी कौन सी है, भूरी मटियार दोमट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में भारत सरकार की सहायता से कब स्थापित की गई थी, कब स्थापित की गई थी, 1998 में, 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल और माही बेसिन दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार कौन सा है, तो कौन सा है, काली मटियार दोमट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग मिट्टी अपरदन से प्रभावित है, तो कितना भाग मिट्टी अपरदन से प्रभावित है, 1/3 यानी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी माना जाता है, तो रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में कौन सा वृक्ष उपयोगी माना जाता है, आंसर है खेजड़ी। ये हमारा क्या है, ये हमारा राजकीय खेजड़ी क्या है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। ओके, आई होप आप लोगों को पता होगा कि खेजड़ी हमारा राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरोजम मिट्टी राज्य के किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है, तो सिरोजम मिट्टी राज्य के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, आंसर है जो भी शेखावटी इलाका, थोड़ा सा सीकर, झुंझुनू, चूरू, पाली, नागौर और जालौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मिट्टी का अवनली का अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है, तो किस नदी से होता है, चंबल नदी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है, तो कितना है, 67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मृदा का पीएच मान कितना रहता है, जो सामान्य मृदा होती है उसका पीएच मान कितना होता है, 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5 पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालाबों आदि के पास 10 से 12 मीटर गहरे छोटे कुएं टाइप संरचना, जो छोटे कुएं टाइप से जो संरचना होती है जिसमें तालाबों को पानी रिसकर आता है, वो क्या कहलाता है, आंसर हो जाए कुई या बेरी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो तालाबों आदि के पास जो 10 से 12 मीटर गहरे छोटे कुएं होते हैं, जो कुएं टाइप के जो संरचना होती है उस वहां पर तालाबों का पानी जो रिस कर जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, कुई या बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान रहता है कितना, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है, वर्षा की न्यूनता। ओके, वर्षा की न्यूनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थिति को सूर्य विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जिसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी, पर लंबवत चमकता है, तो आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वप्रथम आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा गंगाला। ओके, जो सबसे पहले जिसने आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त किया था वो कौन थी, बाड़मेर जिले की गंगाला ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सलाह देने हेतु गठित किस समिति ने ग्राम समूहों के लिए नए पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी, तो किस समिति ने करी थी, एलएम सिंघवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों के बारे में 73वां संशोधन कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया, 243 से 243 ओ तक। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है, जो राजस्थान के अंदर जो ग्राम सभा होती है किसके द्वारा बनती है? वो बनती है पंचायत सर्किल में आने वाले गांवों के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पंचायतों के लिए गठित राजस्थान वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 243 झ के अंदर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया वह है, वो कौन है? ग्राम सभा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? आंसर है 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं कौन? लेते हैं ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता। नेक्स्ट, राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए पहले कितना स्थान आरक्षित था? पहले कितना स्थान आरक्षित था? वो है 50%। अभी तो बढ़ गया है, कम हो चुका है, कितना हो गया? 33%। ओके वैसे तो परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कम हो गया है, और वैसे देखा जाए तो बढ़ गया है। ओके बेनिफिट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया किसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बलवंत राय मेहता। 1957 के अंदर की गई थी। ओके 56 के अंदर सिफारिश की गई, तो 1957 के अंदर वो किया गया था। ओके 27 स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय है? तो किस सूची का विषय है? राज्य सूची का, जो स्थानीय स्वशासन है वो किस सूची का विषय है? संविधान की राज्य सूची का विषय। वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहते थे? ग्रामणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर गठित संस्था ग्राम पंचायत की वर्ष में कितनी बैठकें होने आवश्यक है? तो कितनी बैठक होने आवश्यक है? हर 15 दिन में एक बैठक। ओके किसके? ग्राम पंचायत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों को ग्रामीण स्वशासन के विकास का श्रेय दिया जाता है? किसका दिया जाता है? चोल शासकों को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 1993 में अनुच्छेद 243 को संविधान के नवे भाग, संविधान का कौन सा भाग? नवे भाग के रूप में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो कौन से द्वारा? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1993 के अंदर। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा कहलाती है, क्या कहलाती है? ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं के समूह को क्या कहते हैं? ग्राम सभा। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में अपेक्षित सुधार के लिए सिफारिश देने हेतु 1990 में गठित कमेटी कौन सी थी? तो कौन सी कमेटी गठित की गई थी 1990 के अंदर? हरलाल सिंह खर्रा समिति। नेक्स्ट है, राइट टू रिकॉल क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट टू रिकॉल क्या है? तो राइट टू रिकॉल है मतदाताओं का निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनमत संग्रह द्वारा वापस बुलाने का अधिकार। ओके नेक्स्ट है, राज्य में ग्राम सभा के वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक है? कितनी? 4। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वाधिक पंचायत समितियां किस जिले में? किस जिले में? बाड़मेर और उदयपुर, दोनों में कितनी कितनी है? 17-17। ओके नेक्स्ट है, पंचायत राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ किया गया? नागौर के अंदर। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस जिले में है? उदयपुर में। नेक्स्ट है, राज्य में न्यूनतम पंचायत समितियां किन जिलों में है? तो किन जिलों में? जैसलमेर के अंदर सबसे कम पंचायत समितियां हैं। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, उप सरपंच व सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो किसको सौंपते हैं? विकास अधिकारी को। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज को प्रारंभ करने वाले राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम। 2 अक्टूबर 1959 को कहां की गई थी? नागौर के अंदर, इसलिए इसका स्थान क्या है? प्रथम। राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान और संपूर्ण पूरे स्टेट के अंदर कौन से स्टेट ने की गई थी? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। ओके उसने अपने पूरे स्टेट्स के जितने भी जिले थे उन सब में स्टार्ट की गई थी। ओके नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया था? 1959 में। राजस्थान में ग्राम पंचायत के उपसरपंच, पंचायत समिति के प्रधान व उप प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख व उप प्रमुख का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? तो किस विधि द्वारा होता है? परोक्ष।
एग्जाम में प्रत्यक्ष भी दिया होता है ऑप्शंस में, तो प्रत्यक्ष नहीं है उसका आंसर, उसका आंसर है परोक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिगटन की स्थिति में बिगटित संस्था के स्थान पर नवगठित पंचायत राज संस्था का कार्यकाल कितना होगा, कितना होगा मूल संस्था की शेष अवधि के लिए, कितने तक मूल संस्था की जो बाकी की शेष अवधि है उसके लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए, कब संपन्न हुए 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा को व्यक्त किया गया था, कौन से अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा, तो क्वेश्चन पूछा गया कि पंचायती राज की अवधारणा को संविधान किस अनुच्छेद के अंदर बताया गया, 1940 के अंदर, अनुच्छेद 40 के अंदर, आर्टिकल 40 के अंदर, ठीक है, पंचायती राज की अवधारणा को। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक, पुस्तक का नाम क्या है, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है, तो माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है, महात्मा गांधी की, ठीक है, जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं उनकी रचना है, क्या नाम है, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।